हेलो क्यूरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। यह आपकी फर्दर एनर्जीज़ के हवाले से रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एक्वेरियस आपके लिए क्या फर्दर एनर्जीज़ आती हैं, फर्दर मैसेजेस आते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, आप किसी हवाले से बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं। लाइक आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, या तो आपको हर चीज़ का पता नहीं है, या फिर आप पता करना चाह रहे हैं उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर आप अपने दिल और दिमाग में जो है वो कन्फ्यूज हैं कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि और फर्दर मैसेजेस क्या हैं क्वेरीज के लिए। सो फूल, जस्ट आप इस इनडिसाइसिव सिचुएशन से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। अगर आप डिसीजन नहीं भी ले सकते, या तो आप अपने आप को जस्ट किसी वरी से फ्री कर लें। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आप अपने आप को वरी से फ्री कर लें, या फिर आप अपने आप को इस वरी से फ्री कर लेंगे और जस्ट इनडिसाइसिव है तो डिसीजन को छोड़ दें, पेंडिंग पे रख देंगे और अपने आप को जस्ट फ्री करेंगे। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अगर कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है कि रिस्क हो, जो डिसीजन आपको लेना है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, इसलिए आप वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हो सकता है अपनी लव लाइफ के हवाले से आपको कोई डिसीजन लेना है, हो सकता है अपने वर्क लाइफ के हवाले से कोई डिसीजन लेना है, तो वो आप नहीं ले पा रहे हैं। सो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में जा रही है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में जा रही है। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी एक पर्सन को आपको चूज़ करना है, तो आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे इस वक्त में। ओके, सो हो सकता है कोई इशू है, एक ऐसा इशू। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, तो एक ऐसा इशू है आपका और आपके पार्टनर के दरमियान जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो पहले आप उस सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। तो ये एक ऐसी फाइट है जो कि आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। आप दोनों ही एक ऐसी पॉइंट पे हैं जहाँ पे कोई भी अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहता, गलत नहीं समझ रहा। तो दोनों को लगता है कि दोनों ठीक हैं, दोनों को लगता है कि दोनों गलत, आप दोनों में से अगला बंदा गलत है। तो ये एक ऐसी फाइट है जो लॉन्ग लास्टिंग चलती है और इससे कुछ हासिल नहीं होता किसी को भी। जस्ट जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हर्ट हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन, इसके साथ अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। आपको आपको इस पहले इस फाइट को एंड करना होगा। आप हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको उस पर्सन, आपकी और उस पर्सन के दरमियान क्लैशेस हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप हो सकता है उस पर्सन को स्पाई करें ताकि आप कोई डिसीजन लें कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर वो पर्सन आपको स्पाई कर सकता है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन है, आपको सही तरह से क्लैरिटी नहीं है इस वक्त में सही तरीके से क्लैरिटी नहीं है। सो स्पाई कर सकते हैं आप या आपका पर्सन आपको। तो लेट्स सी के क्या जो है इसका आउटकम है। तो डेफिनेटली एक न्यूज़ आ सकती है, आप मिल सकती है आपको उस पर्सन की तरफ से, या फिर आप डिसीजन लेने में, ये न्यूज़ जो है वो डिसीजन लेने में आपको हेल्प कर सकती है। ये न्यूज़ आपके लिए क्लैरिटी भी लेके आ सकती है, जो कन्फ्यूजन है वो क्लैरिटी भी लेके आ सकती है। अगर वो पर्सन आपको ऑफ़र करता है कुछ, या फिर वो पर्सन आपको कोई न्यूज़ देता है, तो ये आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी होगी जो आप बहुत अरसे से चाह रहे थे, और डिसीजन लेने में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और आप एक कुछ कुछ डिसाइड कर लेंगे या फिर क्लैरिटी आ जाएगी इस सिचुएशन में। जो भी मैनिपुलेशंस हैं आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, ये जो भी ये झगड़ा है वो क्लियर होगा और ख़त्म होगा, और एक नए स्टार्ट का स्टेप लेंगे आप लोग, इनिशियल स्टेप। सो या फिर आपके पर्सन ले सकते हैं ये स्टेप। देखते हैं कि रोमांस एंजल ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या मैसेज देते हैं इस वक्त में। एक्वेरियस, ओके, वेडिंग। हो सकता है आपका आपके कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यही हो कि आपके पार्टनर जो है आपको कोई स्टेबिलिटी या
कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए आप अपने आप को इस रिलेशनशिप से फ्री करना भी चाह रहे होंगे और अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी करना चाह रहे होंगे, जिसके बाद ये क्लैश आपके और आपके पार्टनर के दरमियान हो सकता है। बट आपके पार्टनर जो है वो लुक कर रहे हैं विद फॉर कम्युनिकेशन, या फिर आप कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, अपने पार्टनर की तरफ देख रहे हैं। ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप से अपने आप को फ्री करना चाह रहे हो, तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकती है। और इस कन्फ्यूज़न में आके आप जो हैं अपने पर्सन को कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, या फिर ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर करें, कमिटमेंट ऑफर करें, यानी वेडिंग। दिस सिचुएशन विल लीड टू वेडिंग, नहीं वेडिंग की तरफ जा सकती है, शादी की तरफ भी जा सकती है, कमिटमेंट आ सकती है, शादी की कमिटमेंट आ सकती है। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी फर्दर एनर्जीज। आई फिर से जनरेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन द कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।